हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर एवोल्यूशनरी इविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। ओके, सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, सम पॉपुलर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, है ना। तो मतलब जो सबसे पॉपुलर थ्योरीज है इवोल्यूशन के, जैसे डार्विन, लैमार्किज्म, ये थ्योरीज क्या बताते हैं और इनको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया था तो क्यों किया था, रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। ओके, सो लेट्स विल स्टार्ट विथ फर्स्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो उसके थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है इसके थ्योरी का? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है, जो एनिमल्स डेवलप हुए हैं, जो प्लांट्स डेवलप हुए हैं, उनको किसने सेलेक्ट किया है? नेचर ने सेलेक्ट किया है। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो इन दिस केस डार्विन ऑब्जर्व न्यूमरस, मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों, ये डार्विन, ये जो साइंटिस्ट थे, वो एक टूर पे निकले थे अपना खुद का जहाज लेके, राइट। और बहुत ज्यादा एनिमल्स, अलग अलग जगह के प्लांट्स, ये बहुत सारे स्पेसिमेंस उन्होंने ऑब्जर्व किए, उनको कलेक्ट किया, खुद के लैब में लाया, राइट। और ऐसे भी बहुत, तो क्या बता रहा हूं मैं, उन्होंने अपने टूर में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स देखे, उनको कलेक्ट किया, और फिर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद उनका नेचर, हैबिटेट, ये सारी चीजें, क्या खाते हैं, कैसे, ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, उनके सिमिलैरिटीज, उनके डिसिमिलैरिटीज, और फिर उस पे से उन्होंने एक थ्योरी बनाया, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और दोस्तों, इन्होंने उसमें दो पॉइंट्स बताए, ओके। तो उसमें से एक था नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये दो चीजें उन्होंने बताई, और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी उन्होंने कहां पे दी? इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसमें दी उन्होंने दोस्तों? ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक में उन्होंने ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, जिसमें उन्होंने दो पॉइंट बताए थे, कौन से, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नो, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? मतलब नेचर हम लोगों को सेलेक्ट करेगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ने इस दुनिया में रहना है और कौन से ऑर्गेनिज्म ने अब डिमोलिश होना है, खत्म होना है। ओके, तो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कैसे होता है? ड्यू टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ड्यू टू सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा जमीन है और वहां पे ग्रास है, ओके? तो उस ग्रास पे या घास है, तो वहां पे क्या हो गया, हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया और वहां पे एक कैटल को छोड़ दिया, एक काउ को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो क्या करेगी? वो आराम से खाएगी, वही पे रहेगी। अब मैंने क्या किया, वहां पे दो काउस को छोड़ दिया, दो कैटल्स को छोड़ दिया। अब बहुत बड़ा एरिया है, दो के दो नंबर के हिसाब से वो एरिया थोड़ा बड़ा है, तो ये भी आराम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि फूड अवेलेबल है। अब मैंने वहां पे 50 कैटल्स को छोड़ दिया। अब देखो दोस्तों, अब एरिया कम है, नंबर के हिसाब से मैंने 50 कैटल्स को छोड़ा है, अब क्या होगा, उनमें झगड़ा होगा, किसके लिए? फॉर फूड, ओके? सो ऐसे ही एनिमल्स में फूड के लिए, शेल्टर के लिए
हमेशा कंपटीशन होती है। क्या होती है? हमेशा कंपटीशन होती है। अब देखो इस कंपटीशन में मैंने 50 ऐसे कैटल्स छोड़े थे राइट, जिनको सिंग नहीं है। ओके, अब 25 ऐसे, मतलब 50 में से 25 ऐसे की जो बहुत ही मतलब जिनको सिंग नहीं है, ओके, और 25 ऐसे जिनको है। तो दिस इज वन एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या है उनके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक। अब जब इनमें फाइट होगा तो कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली जिनके पास उनके सिंग है, ओके, क्योंकि उसकी मदद से वो मारेंगे, है ना। तो देखो दोस्तों ये क्या हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वो फिट थे फाइट करने के लिए, एप्लीकेबल थे राइट, फाइट करने में एबल थे, तो क्या करेगा नेचर, उनको सस्टेन करेगा, बाकी भी अपने आप मर जाएंगे। ओके, सो दिस इज रूल ऑफ नेचर, ये नेचर का रूल है दोस्तों। अगर आप फिट हो तो आप सर्वाइव करोगे, और अगर आप सर्वाइव करते हो तो नेचर आपको सेलेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी हम लोगों को कौन सेलेक्ट कर रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है, और नेचर किसकी मदद से कर रहा है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे 10वीं में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, 11, 12 में नीट हो, JEE हो, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बट वही बच्चे पास होंगे जिनके पास सर्वाइवल की कैपेसिटी हो, जिनके पास अपनी खुद की मेहनत है ना। तो आपको भी, हम लोग भी एक कंपटीशन में ही है ना, तो हम लोगों को बोर्ड सेलेक्ट कर रहा है, सही है, और फिर हम लोगों को इसमें फिट रहना है, और फिट रहने के लिए आपके पास एक ही एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ओके, अब देखो ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है, आज भी डार्विन की थ्योरी बहुत पॉपुलर है, बट स्टिल हम लोगों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है। ओके, सो व्हाई वी रिजेक्टेड, इसके ऑब्जेक्शंस क्या थे ये थ्योरी पे? देखो ये थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट डिनाई नहीं किया और कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, उसका सबसे पहला रीजन था दोस्तों that natural selection is the factor ऐसा लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट चेंज करते हैं, नॉट ओनली natural selection is the factor responsible for evolution। मतलब yes, natural selection ये एक factor है, लेकिन सिर्फ एक ही factor है ऐसा नहीं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो दैट इज वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, वो एक फैक्टर है। यूबर्टी वराइज ने जो म्यूटेशन बताया, सो म्यूटेशन इज ऑल्सो वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन कोई एक चीज की वजह से नहीं हुआ, बहुत सारी चीजों की वजह से हुआ, और डार्विन का क्या कहना था कि इवोल्यूशन हुआ है सिर्फ किसकी वजह से, नेचुरल सिलेक्शन। तो हम लोग मानते हैं कि यस नेचुरल सिलेक्शन इज द फैक्टर, ओके, ये एक फैक्टर है। तो हम लोगों ने डिनाई क्या किया है कि नॉट ओनली नेचुरल सिलेक्शन इज द फैक्टर, मतलब सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एक ही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है ना, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन। हम लोग नेक्स्ट सेल डिवीजन जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा, मैं वहां पे भी आपको ये एक बार रिमाइंड करके दूंगा। ओके, so cell division is also one factor, mutation is also one factor, okay, apart from this natural selection. Next, there was no explanation about useful and useless modification
देखो मेंडल ने तो बता दिया कि सॉरी डार्विन ने तो बता दिया कि नेचर ने हम लोग वो सेलेक्ट किया है, ठीक है चलो मान लेते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, अपने खुद के बॉडी को देखते हैं, तो उसमें कुछ यूजफुल चेंजेस है ओके, लेकिन कुछ यूजलेस भी तो है। हम लोगों को बहुत बार ऐसे लगता है कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्यों होंगे ओके, सो देयर आर सम यूजलेस मॉडिफिकेशंस। तो डार्विन ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ओके, सो देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। एंड द थर्ड इज ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, हजारों साल लगते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करने में या डीजनरेट करने में, है ना। तो जैसे हम लोग चार पैर पे चलते थे, वहां से हम लोग दो पैर पे आए, है ना, तो इसको हजारों साल लगे हुए हैं ओके, तो दीज आर स्लो चेंजेस। कुछ चेंजेस हमारे में अचानक से हो जाते हैं, अब्रप्ट चेंजेस, म्यूटेशन बोलते हैं हम लोग उसको आज ओके। सो डार्विन ने इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि व्हाई सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्लो चेंजिंग एंड सम आर अब्रप्ट, मतलब अचानक ओके, वेरी फास्ट ओके। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से होने वाले चेंजेस, फास्ट होने वाले चेंजेस। तो ये तीन ऑब्जेक्शंस थे डार्विन के थ्योरी पे। फर्स्ट इज नॉट ओनली नेचुरल सिलेक्शन इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, मतलब सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल, इसके अलावा भी कुछ पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन यूजफुल है, हमारे काम के है, कुछ मॉडिफिकेशन यूजलेस है, जो हमारे कुछ काम के नहीं, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका डार्विन, राइट। एंड ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस, कुछ चेंजेस स्लो क्यों होते हैं, कुछ चेंजेस अचानक से क्यों होते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन उनके थ्योरी में नहीं था। सो दिस इज अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने क्या किया, न्यूमरस स्पीसीज प्लांट के और एनिमल के ऑब्जर्व किए, उस पर डिपेंडिंग उन्होंने थ्योरी कौन से बुक में दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस पर कौन से पॉइंट कवर किए, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओके। नेचुरल सिलेक्शन क्या, नेचर हम लोगों को सेलेक्ट करेगा, अगर हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम लोग इस दुनिया में लड़ सकते हैं, फिट रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, तो हम लोगों को नेचर सेलेक्ट करेगा। और हम लोगों ने ये थ्योरी को बहुत पॉपुलर माना है, राइट, उसको एक्सेप्ट भी किया है कुछ हद तक, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन क्या क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ओके। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के लिए वजह से इवोल्यूशन नहीं हुआ है, और देर वॉज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, एंड देर वॉज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड अब्रप्ट चेंजेस। सो दिस इज अबाउट डार्विन्स थ्योरी। ये किसके थ्योरी के बारे में था दोस्तों, डार्विन्स थ्योरी। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जाएंगे लैमार्किज्म ओके। लैमार्किज्म तो हम लोग अभी नेक्स्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं, लैमार्किज्म ओके। सो जैसे डार्विन के थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन ये पॉइंट है ओके, वैसे यहां पे इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ओके, अब देखो हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं। आप लोगों ने जिराफ देखा होगा, राइट, और एक एग्जांपल लिखते हैं आयन स्मिथ ओके। मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रीच और इमू देखा होगा आप लोगों ने, राइट। इसके अलावा आप लोगों ने डक देखा होगा एंड स्वैन ओके।
अब देखो इनके बारे में हम लोगों को क्या बात करनी है। सो लामार्किज्म, ओके, तो लामार्किज्म का मतलब उन्होंने क्या थ्योरी दिया है कि उनका कहना है कि अगर हम लोग कुछ ऑर्गन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो ऑर्गन हमारा एक्स्ट्रा डेवलप होता है। अगर हम लोग कुछ ऑर्गन्स का यूज नहीं करेंगे तो वो ऑर्गन हमारा डीजनरेट हो जाता है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा टेल, है ना। हमारी पूंछ जो है वो क्यों चली गई, यूज नहीं किया। तो दोस्तों अच्छे से याद रखो, धीरे धीरे ब्रेन का भी ऐसे हो सकता है, अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग बात करते जिराफ की, ओके। सो इसमें क्या हुआ, ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्राउजिंग ऑन टॉल प्लांट्स, मतलब जो ऊंचे पेड़ है कंटिन्यूअसली उसके पत्ते खाने की वजह से इसकी जो नेक है, नेक बिकम वेरी लॉन्ग। तो क्या हुआ, इसने एक एक्टिविटी किया है कंटिन्यूअसली ब्राउजिंग ऑन टॉल प्लांट्स, जो लंबे पेड़ होते हैं उसके पत्ते खाने का काम किया, तो इसकी नेक क्या हो गई, लंबी हो गई। ओके, सो दिस इज डेवलपमेंट ड्यू टू यूज ऑफ ऑर्गन, राइट। आयरन स्मिथ कंटिन्यूअसली हैमरिंग करता है, लोहार बोलते हैं हम लोग उसको, ओके। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग है ना, लोहार क्या करता है, कंटिन्यूअसली हैमर करते रहेगा किसी चीज पे, है ना, लोहे पे। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग शोल्डर्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, कैसे बने वो, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रिच एंड इमू। अब देखो ये दो एग्जांपल थे एक्टिविटी के, कुछ एक्टिविटी किया तो उसकी वजह से एक्वायर किए कुछ कैरेक्टर्स, क्या किए कुछ कैरेक्टर्स, एक्वायर किया, एक्वायर किया मतलब मिल गए, है ना। अब ऑस्ट्रेलियन ईमू में क्या होता है, दे हैव विंग्स, इनके पास विंग्स होते हैं, राइट, बट ड्यू टू नो यूज उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, but due to no use now they can't fly। अब वो उड़ सकते हैं क्या, नहीं उड़ सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस विंग्स को यूज ही नहीं किया, ओके। तो ये थ्योरी किसकी हो गई, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब डक एंड स्वान, इन्होंने क्या किया, दे डेवलप देयर लेग्स सो दैट दे कैन स्विम, पानी में वो स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो कैरेक्टर को एक्वायर किया है। सो देखो दोस्तों, जिराफ ने क्या किया, ऊंचे पेड़ के पत्ते खाए, एक्टिविटी किया, है ना, तो उसको एक कैरेक्टर मिल गया लंबी नेक, ओके। नेक्स्ट आयरन स्मिथ ने क्या किया, कंटिन्यूअसली हैमरिंग किया, तो उसके शोल्डर स्ट्रॉन्ग बन गए, अगेन एक्टिविटी की वजह से। ये दोनों ने क्या किया, इनके पास विंग्स है लेकिन यूज नहीं किए, तो अब ये फ्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने अपने लेग्स को ऐसे यूज किया कि अब वो स्विमिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या है कि हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ओके। सो दिस इज थ्योरी ऑफ एक्टिविटी एंड लेजीनेस, जो हम लोग एक्टिविटी एंड लेजीनेस बोलेंगे। मतलब आप लोगों ने, अगर आप एक्टिव रहे तो कैरेक्टर डेवलप होंगे, लेजी रहे तो जो है कैरेक्टर वो निकल जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज लामार्किज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लामार्किज्म। And this theory is widely accepted. अब ये जो theory है, ये widely accept किया, कौन सा?
that due to activity, new characters are developed. नए कैरेक्टर हमारे में डेवलप होते हैं. ओके, कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मतलब जो नए कैरेक्टर हम लोगों में डेवलप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो यहां तक ये एक्सेप्टेबल था, एक्सेप्ट किया था. अब लैमार्क ने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं. अब यहां पे एक्सेप्शन से दोस्तों देखो, जैसे मैंने एक कैरेक्टर एक्वायर किया है ना, जैसे कोई एक बंदा है जो विमान उड़ाता है, उसने एक कैरेक्टर क्या सीखा? विमान उड़ाना. अब उसके बच्चे अपने आप विमान उड़ाना शुरू करेंगे क्या? नहीं, उनको वो सीखना ही पड़ेगा. जैसे किसी ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उनके बच्चे अपने आप साइकिल चलाएंगे क्या? नहीं, उनको सीखना ही पड़ेगा. तो देखो दोस्तों, हम लोग कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं, हम लोग कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा ही, ऐसा नहीं है, है ना? तो उसका इनहेरिटेंस होगा ही, ऐसा नहीं है. ओके, सो यहाँ पे लामार्किज्म रिजेक्ट हुआ. तो लामार्क ने क्या बोला था? Due to activity, new characters are developed called as acquired characters and they get inherited generation to generation. तो दोस्तों यहां तक हम लोगों को थ्योरी एक्सेप्टेड थी और ये हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं है. सो दिस इज अबाउट लैमार्किज्म. ये किसके बारे में है दोस्तों? लैमार्किज्म के बारे में. और इसको हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं. और हाँ, ऐसे भी है कि कुछ कैरेक्टर्स पास होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंसेस्ट्री ऑफ acquired characters. तो ये हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया दोस्तों? लैमार्किज्म के बारे में. किसके बारे में डिस्कस किया? लैमार्किज्म के बारे में. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, स्पेसिएशन. स्पेसिएशन, सो व्हाट इज स्पेसिएशन? ये क्या होता है दोस्तों? इट इज फॉर्मेशन ऑफ new species of organism, bracket में हम लोग लिखेंगे plants or animals, okay, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे. formation of new species of organisms, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन. क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन. अब देखो, स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली स्पीसीज क्या होता है? ओके, सो स्पीसीज के बहुत सारे डेफिनेशंस थे दोस्तों, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, दैट स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच produces fertile offsprings, which produces fertile offsprings through natural reproduction. मतलब क्या कि ऐसे organisms का group जिनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है नेचुरली, ओके, नॉट आर्टिफिशियली. ओके, सो जैसे म्यूल्स वगैरह है ना, तो हॉर्स और डोंकी के बीच में क्रॉस करके हम लोगों ने म्यूल्स बनाए. सो म्यूल्स आर इनफर्टाइल. म्यूल्स कैसे? इनफर्टाइल. और ये जो रिप्रोडक्शन है, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं होता है. ओके, सो ये फर्क समझ लो. तो
स्पेसीज क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें नेचुरली रिप्रोडक्शन होगा और जो नए प्रोजेनीज बनेंगे वो फर्टाइल होंगे। फर्टाइल का मतलब क्या, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्टाइल का मतलब क्या, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्पीसीज, इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, व्हिच प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन कोई भी किसी के साथ रिप्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो ऑर्गेनिज्म उनकी जो सिमिलरिटी है उन्हीं के साथ रिप्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब ये जो ग्रुप होता है, दे ऑल आर हैविंग, ये स्पीसीज जो होते हैं दे आर हैविंग डिफरेंट फूड, मतलब जैसे दो तीन ऑर्गेनिज्म के अलग 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 ग्रुप अपने सामने लाओ, ओके, और ऑब्जर्व करो। जैसे नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते कैट होगा, डॉग होगा, वो सामने लाओ, उनका फूड अलग है, हैबिटेट वो कहां पे रहेंगे, कैसे छुपेंगे, डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट, उनका रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो डिफरेंट, एंड पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन, पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो दोस्तों, हम लोग बहुत सारे लोग एक नेचर में रहते हैं, लेकिन हमारे मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, लेकिन हमारे फूड हैबिट अलग है, हमारे हैबिटेट अलग है, रहने की जगह अलग है, रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटीज है वो अलग है, एंड पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी अलग अलग होता है, ओके। सो जो भी स्पीसीज हमारे नेचर में है, हमारे इकोसिस्टम में है, हम सब लोग अलग अलग है एक दूसरे से, हम सब लोग एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। और ये क्यों होता है, ये जो वेरिएशंस है ना, स्पीसीज क्यों बना, वेरिएशंस की वजह से, ओके। सो स्पीसीज आर फॉर्म और स्पेसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, पहला रीजन लिखते हैं हम लोग, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, ओके। दूसरा लिखेंगे हम लोग जियोग्राफिकल, आइसोलेशन, एंड द थर्ड वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, जैसे हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये देखने वाले हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको शुरू में भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखे थे हेरिडिटी एंड वेरिएशन के, जिसको हम लोग दोनों की स्टडी एक साथ जहां पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। चाहिए तो वो लेक्चर फिर से एक बार सुन लो, ओके। तो मैंने वहां पे आपको क्या बोला था कि हम लोग हमारे पेरेंट जैसे होते हैं, बट देयर आर वेरिएशंस, हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर है क्या, नहीं, ओके। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं दोस्तों, ये धीरे 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 हम लोग बदलते 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 जा रहे हैं, है ना। तो जैसे समझ लो कि पहले इवोल्यूशन में हम लोग कभी मंकीज थे, वो आज भी है, वो आज भी है, और अभी हम लोग यहाँ पे, हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज है, हम लोग दो कैसे अलग अलग स्पीसीज है। तो वहां से यहां तक फ्रॉम मंकीज टू ह्यूमन हम लोग कैसे आए, धीरे धीरे वेरिएशन करते हैं। पहले हम लोगों में थोड़े से चेंज हो गए, ग्रुप अलग हो गया, फिर और चेंजेस हो गए, ग्रुप अलग हो गया, फिर और चेंजेस हो गए, ऐसा करते करते आज हम और वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये क्यों है दोस्तों, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। और ये बहुत धीरे धीरे होता है दोस्तों, ये कभी अचानक से नहीं होने वाला,
इसको हजारों साल लाखों साल लगते हैं, ओके। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। समझ रहे हो आप लोग? तो ये पहला रीजन है कि वो एक अलग स्पीसीज है, आज हम अलग स्पीसीज है ना? क्यों? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन है, ओके। अब बहुत बार हम लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगहों में हम लोगों को मिलते हैं, ओके, और उनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है, उनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है, लेकिन अब वो एक स्पीसीज नहीं है। अब स्पीसीज क्यों नहीं है? दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वो दोनों में अभी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, अगर हुआ भी तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे। अभी ये क्यों हुआ? ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब समझो कि हम लोग क्या, हमारा लाइफ 70-80 ईयर्स का होता है दोस्तों, है ना, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग ये नेचर के सारे कंसेप्ट एक ही जिंदगी में नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इसके लिए जो इवोल्यूशन के थ्योरीज है उनका ही हम लोगों को सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, जैसे एक जगह है, ओके, अभी हमारे सामने बहुत बड़ा डिजास्टर है, कोरोना, है ना। तो समझा ऐसा ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, हम जहां पे रहते हैं वहां पे, और नेचर में ऐसे डिजास्टर बहुत बार आके गए हैं। तो चलो एक डिजास्टर आ गया, अब उस जगह पे ना फूड है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, जैसे वहां पे 10 ऑर्गेनिज्म थे, मतलब 10 एनिमल थे एक ही स्पीसीज के, तो वो लोग क्या करेंगे, 10 अलग अलग जगह डायरेक्शंस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी जिंदगी में जीना है ना, उनको लिविंग रहना है, सस्टेन करना है। तो वो क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से फूड और वाटर के मतलब सर्चिंग में चले जाएंगे। चलो अब वो चले गए अलग अलग जगह पे, तो कोई एक है सॉरी वो ऐसे एनवायरमेंट में चला गया जहां पे आइस बहुत ज्यादा है, बर्फीला प्रदेश है, राइट। एक ग्रुप ऐसे जगह पे चला गया जहां पे डिजर्ट कंडीशन है, राइट, बहुत खराब कंडीशन है। अब ये जो दो कंडीशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो कैसे कंप्लीटली डिफरेंट है। और अब 10,000 साल ये लोग अपने अपने वो जगह पे रह गए, मतलब कभी वो एक थे, उसके आगे 10,000 साल ये बर्फीले प्रदेश में रह गया, ये डिजर्ट कंडीशन में रह गया। तो क्या होगा, वो उस एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करेगा, डिजर्ट वाला उस एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करेगा। अब 10,000 साल के बाद अगर ये दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या वो एक दूसरे के जैसे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उन्होंने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स अडॉप्ट कर लिए हैं। सो दिस इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उनकी जियोग्राफी अलग अलग थी, ओके। सो स्पेसिएशन occurs due to geographical isolation। आपको बस सेंटेंस याद रखना है दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे जियोग्राफी बदलती है। मतलब एक जगह पे एक ग्रुप था ऑर्गेनिज्म का, डिजास्टर आ गया, अब वो वहां पे नहीं रह सकते, तो एक ग्रुप किसी वर्स्ट कंडीशन में चला गया, एक ग्रुप किसी और वर्स्ट कंडीशन में चला गया। अब वहां पे वो 10,000 साल या उससे ज्यादा रह गए, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से कैरेक्टर्स को अडॉप्ट कर लिया, और अब जब ये एक साथ आएंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। इसका मतलब वो अब क्या हो गए, दो अलग अलग स्पीसीज, अभी एक ही थे, अब कैसे हो गए दो अलग अलग स्पीसीज। इस पर रिपीटेडली सुनो दोस्तों मैंने क्या क्या बोला है, ओके। सो दिस इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है ना, उन्होंने उनकी बॉडी आइस के लिए डेवलप की, इन्होंने इनकी बॉडी डेजर्ट के लिए बनाई। तो अब ये जब साथ में आएंगे तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके पोजीशंस चेंज हो जाएंगे, इनमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो अब उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। So they cannot reproduce, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, reproductive isolation।
सो ये तीन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है दोस्तों, स्पेसिएशन होता है. क्या होता है? स्पेसिएशन होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो पहले एक ही स्पीसीज थी है ना, अब दो स्पीसीज हो गए. डिजास्टर कंडीशन आ गया, एक आइस में चला गया एक डिजर्ट में, तो वो एक स्पीसीज वहां बन गई एक स्पीसीज यहां बन गई. तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू स्पीसीज फ्रॉम वन. ओके, तो इसको हम लोग, अब स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, विच प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. और उसके वेरिएशन क्यों हुए, स्पेसिएशन क्यों हुआ, जेनेटिक वेरिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सो दिस इज अबाउट स्पेसिएशन. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखा. उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला है. उनकी थ्योरी हम लोगों ने रिजेक्ट क्यों की, ये मैंने बोला क्यों, that natural selection is not the only factor responsible for evolution. सिर्फ natural selection की वजह से evolution नहीं हुआ है. Okay? दूसरा मैंने क्या बोला आपको, कि Darwin के पास explanation नहीं था किसके लिए useful and useless modification. और third क्या था, he didn't explain about slow and abrupt changes. Okay? उसके बाद हम लोगों ने Lamarckism देखा, that is theory of मतलब यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ओके, हम लोग जो ऑर्गन यूज करेंगे वो डेवलप होंगे, जो नहीं करेंगे वो डिमोलिश होंगे, डीजनरेट होंगे. उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे, जिराफ ज्यादा लंबे पेड़ पे जो पत्ते खाते उसकी वजह से उनका नेक लंबा हो गया, राइट. आयरन स्मिथ ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग शोल्डर्स गेट स्ट्रॉन्ग. ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रिच एंड इमू का एग्जाम्पल देखा, उनमें क्या हुआ, दे हैव विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं लेकिन यूज नहीं किया तो फ्लाई नहीं कर सकते. डक एंड स्वान डेवलप और लेग्स फॉर स्विमिंग. रेप्टाइल्स का भी एक एग्जांपल है, ऐसा लैमार्किज्म का कहना है, वो अभी गलत है, हम लोगों को पता है क्योंकि रेप्टाइल्स के लेग्स नहीं रहे, वो जमीन से चलते हैं ना और जमीन में छुपते हैं, इसलिए अब उनको लेग्स की जरूरत नहीं थी तो वो चले गए. सो दिस इज थ्योरी ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये हम लोगों ने देखी. अब ये भी थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड थी, लेकिन एक्सेप्ट क्या नहीं हुआ, यस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बट दीज कैरेक्टर्स कैन नॉट गेट इनहेरिटेड. कैरेक्टर डेवलप होते हैं दोस्तों, लेकिन वो इनहेरिट होंगे ही, ऐसा नहीं है. और यहाँ पे लैमार्किज्म रिजेक्ट हुआ. उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन क्यों होता है, जेनेटिक वेरिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ओके दोस्तों, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लेक्चर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. थैंक यू.